हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें इन स्टेटमेंट से क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। और सॉल्व करने को तो बोला नहीं है, बट हम बता सकते हैं सॉल्व भी करके, बट अभी हमें जितना बोला है वो करते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, ये भी अच्छी बात है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमको कर रही है कंफ्यूज। तो इसको कंफ्यूज कर रही है, तो इसको फिर से पढ़ लो। The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. जो length है वो breadth के दो twice करने पे, breadth को twice करने पे उससे भी एक ज्यादा है। कौन? Length किसकी? Rectangular plot की। We need to find the length and breadth of the plot. तो सबसे पहले काम होता है रफ पे एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लो। बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। कॉमन सी चीज है भैया, अगर 528 मीटर स्क्वायर लिखा है तो लेंथ और ब्रेथ भी मीटर में ही होगी ना। फालतू में लिख के दे रहे हैं। ठीक है, देखो फिर कह रहे थे द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब ये जो लेंथ है ये हमें पता नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जिस पे डिपेंडेबिलिटी ज्यादा है, जिसके कंधों पे बोझ ज्यादा है उसको लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज एक्स मीटर, मीटर में बोला गया था ना, सो एक्स मीटर। भाई अभी तक हम कह रहे थे ना एक्स ब्रेथ पे डिपेंडेंट है, ब्रेथ पे डिपेंडेंट है, ब्रेथ आ गई कितनी, एक्स। लेंथ कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, पहले तो कह रहे हैं लेंथ होगी ट्वाइस ब्रेथ, करो भाई इससे भी एक आ गई ब्रेथ, ये रही लेंथ, ये आ गई। अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बोलता है भाई अब हमें लगाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एल इन टू बी, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले से गिवन है 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, लेंथ हमने फाइंड कर ली एक्स मीटर इन टू, सॉरी ये ब्रेथ है, बताते भी नहीं हो तुम लोग, 2x प्लस 1 ये हमारी लेंथ है इन मीटर मल्टीप्लाई बाय, बोलो से यस और नो, इतनी चीज बोली है उन्होंने, कर लो सॉल्व। x को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, और यहां से 2x square plus x minus 528 equals to 0। मैंने यूनिट्स दोनों की गायब कर दी, जैसे मीटर स्क्वायर थी यहाँ से भी मीटर स्क्वायर हमने उड़ा दिया, क्योंकि अब हम एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर को हमने उड़ा दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x square plus 1 minus 528 equals to 0। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना आपकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होगी, बट डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो ये समझ में आ गया अगर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, सो इसमें भी पहली चीज है, अगर हमें नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज एक्स। अगर मैं आपसे बोलूं
एक नंबर टू है और इसके कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखनी है आपको। सो आप डायरेक्ट बोलोगे 3, मैंने बोला 12, 13, ऐसे कर लोगे। बट अगर मतलब एक्स, एक्स कौन सी नंबर है? सो भाई जो भी नंबर है कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, प्लस 1, राइट? देन कॉन्सिक्यूटिव ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1, ठीक है। और फिर क्या पूछा है? ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो पहली एक्स और दूसरी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है कह रहे हैं, क्या आंसर है इसका? 306। एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस के साथ प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन पढ़ो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। रोहन की माताजी हैं जो कि रोहन से 26 साल 26 ईयर्स क्या हैं, ओल्डर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब इनका भी क्या करना है, हमें प्रोडक्ट कर देना है। इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब इन दोनों की एज, मदर और सन की एज जो आज से 3 साल बाद होगी, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 360, समझे। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, कॉमन सेंस नहीं है सच में एनसीईआरटी वालों को, बिल्कुल भी। अगर रोहन की एज पता करनी है तो उसकी मां से पूछो भाई, बच्चों से क्यों पूछ रहे हो? मदर की भी एज बताओ, बच्चों की भी, दिमाग खराब कर देते हैं। चलो बट हम लेट करेंगे किसकी एज, रोहन की, क्यों? क्योंकि सारी डिपेंडेबिलिटी किस पे है, रोहन पे। रोहन की एज क्या हो जाएगी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, इज मदर इक्वल्स टू एक्स प्लस कितना ज्यादा है भाई, 26। ये तो हो गई, अब बात करते हैं। इतनी थी, यही स्टेटमेंट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा था इसका मतलब ये हुआ कि रोहन की एज एक्स है और रोहन की माता जो है उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, सो एक्स प्लस 26 हो गया। और साथ में ईयर लिखना मत भूलना, जैसे मैं भूल गया हूं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब आज से 3 साल बाद, सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बताना आप। देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, सो अगर ये है तो उसके बाद एज ऑफ रोहन मदर इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 एंड प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 29 ईयर, इज इट राइट? यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भाई हमने दोनों की एज 3 साल बाद की भी निकाल ली और अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 29 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे x को x के मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x को 29 के साथ करोगे पॉजिटिव का 29x, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x एंड 29 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा
27 टू कैरी, 3 टू जा 6, 6 टू 8, 87 इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और ये x प्लस करके हो जाएगा आपका 32x प्लस 87 माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। सो भाई 360 से 87 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 से 7 3 5 15, 15 से 8 7 273। सो यहां पे लिख लेते हैं, माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। सो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, किस लिए, रोहन की एज के लिए। ठीक है, हाँ वो मैं क्वेश्चन तो भूल ही गया था, क्वेश्चन हमारा है कि अगर मेरी एज, ठीक है मेरी एज अभी अगर कितनी है, 60 इयर्स है, ठीक है, सो मेरे भतीजे की एज 30 इयर्स होगी, जस्ट हाफ। तो जब मेरी एज 100 इयर्स होगी तब मेरे भतीजे की एज क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये टाइम पास वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये यहां से गया मेरे भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक बार रीड करके आप तुरंत कैच नहीं कर सकते, या तो आप उनको ब्रेक डाउन कर लो, थोड़ा थोड़ा पार्ट रीड करो और उसको कन्वर्ट करो। जैसे अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, एक उसकी डिस्टेंस जर्नी है 480 किलोमीटर जो कि उसको ट्रेवल करना है, वहां पहुंचकर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब पहले वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही थी, फिर जब एक बार वो ट्रेन पहुंच जाती है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज लेकर आते हैं अपने क्वेश्चन में। एक ट्रेन जा रही है, ये इसकी स्पीड है x किलोमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है। दूसरी एक ट्रेन है, इसकी भी डिस्टेंस 480 किलोमीटर है बट इसकी स्पीड x माइनस 8 है, मतलब 8 किलोमीटर कम है, ठीक है। तो अब मुझे आप पहले बताओ कौन सी ट्रेन पहले पहुंचेगी, डेफिनेटली ये वाली, क्योंकि इसकी तो स्पीड कम हो गई ना, तो ये तो वैसे भी लेट जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही लग रहा है क्या, कि अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन जा रही है जो कि ठीक है, हाँ, फिर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसी ट्रेन को नेक्स्ट टाइम भेजा जाता है और उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, कम, कितनी, 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आर्स मोर, वो 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है इन कंपैरिजन टू दिस ट्रेन, या इन कंपैरिजन टू प्रीवियस, जो भी प्रीवियस वो उसकी जर्नी थी उससे वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है स्पीड कम करने की वजह से, टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। तो फाइंड जो कर रहे हैं वही हमें लेट करना पड़ता है, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, एंड अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, देन टाइम, टाइम का ही सारा खेल है। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होता है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा काम आने वाली है डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले में। ऐसे ट्रायंगल बनाना, बी से डिवाइड करना और ये कुछ इस तरह से इसके पार्टीशन कर लेना, और अल्फाबेट में जिसके अकॉर्डिंग, जैसे कि डी, फिर क्या आता है एस, फिर आता है टी, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, जो चीज़ चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम को थोड़ी देर के लिए बंद करो, क्या बच रहा है, डी अपॉन एस। सो डी अपॉन एस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। डिस्टेंस का डिस्टेंस की वैल्यू 480 किलोमीटर, एंड स्पीड का, स्पीड की वैल्यू x, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, डिस्टेंस r में आ जाएगी, एक सेकेंड, चलो ठीक है। सो डिस्टेंस ये हो गई आपकी, टाइम हमारा एक कैलकुलेट हो गया, सपोज ये हो गया t1, क्या हो गया t1। अब एक ट्रेन का हो गया, अब दूसरी ट्रेन का हम करते हैं,
ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट हम दूसरा टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने लेट कर लिया कि दूसरी ट्रेन है। स्पीड ऑफ ट्रेन लेस देन 8 किलोमीटर, क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो टाइम क्या लगने वाला है? टाइम 2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 480। अब x माइनस 8 आवर्स, ये हो गया हमारा टाइम 2। सारी कहानी इन दोनों इक्वेशन से ही है। अब ठीक है, हमने कहा दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहे हैं इससे जब आप जाते हो तो 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा टाइम 1 ट्रेन का आ गया, टाइम 2 आ गया दोनों का। हमें पता है इस ट्रेन से जब जाते हैं तो 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं हमें, मीन्स 480 upon x minus 8 minus 3 equals to 480 upon x। यही तो कंडीशन बनेगी ना, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। अगर हम इसमें से 3 आवर्स को हटा लेते हैं तो सेम टाइम हो गया ना दोनों का। ठीक है, सो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मीन्स यह है कि आप माइनस को हम उस साइड कर देंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। इज इट राइट? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब ध्यान से देखना, हम मैं इन दोनों में क्या करूंगा, 480 कॉमन लेने वाला हूं। क्या 480 को कॉमन ले लिया, बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस का, सॉरी प्लस का 3। राइट, अब देखो यहां पे 480 है और इस वैल्यू को अगर हम एलसीएम लेते हैं x माइनस 8 और x, यहां पे 1 है। अगर यहां पे टर्म देखें तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई किया, यहां पे x माइनस 8 से करना पड़ेगा, x माइनस 8 से कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3। 480, अब एक चीज मैं कर रहा हूं, इस टर्म को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, x माइनस x प्लस का 8 इंटू इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 8 x। ठीक है, ये कर दिया। अब इस 3 को यहां से हम उड़ा देंगे और यहां ले आएंगे, मल्टीप्लाई में था मैंने इधर कर दिया, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 160। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और 160 x और x ये कितना हो जाता, ब्रैकेट में ही इसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल, बचेगा 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। तो इक्वेशन हमारी कुछ ना कुछ हद तक हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे तो 8 इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 जीरो ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, 4 8 1 ज़ा 8 12, 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। आपकी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप जो है मैथ्स का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट होंगी क्लासेस से रिलेटेड, जो भी सिलेबस से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अपनी क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।